तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में, और हम बात करेंगे इस स्टेटमेंट में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम नेस्टेड इफ, मतलब कि कई सारे इफ को एक इफ में डालते हैं। ये आज की हमारी क्लास है। आज की क्लास में हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन आपका दे दिए हैं, तो इस चीज को सबसे पहले जानिए कि हम नेस्टेड इफ की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, एक इफ एक कंडीशन, अगर आपके पास एक कंडीशन है तो सिर्फ एक इफ लगेगी। अगर आपके पास दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है, तो जितने कंडीशन उतने इफ लगेगी। तो सिंपल से बताओ कि मेरे पास आपके सामने डेटा दिख रहा है, और इस डेटा में मेरा मुझे ग्रेटर देन 80 है तो ठीक है, मैंने गेट 82 अगर 100 के बीच में है तो मुझे इस पे 500 देना है। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में आपके साथ बातचीत किया था, जिसमें हमने बताया था कि हम इसमें यूज करते हैं क्या, इफ कंडीशन। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं दोबारा। तो अगर यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे INC कर देता हूँ, INC, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। और यहाँ हम जैसे यहाँ पे कर दिया हमने 4i = हमने चला 2 से कहाँ तक हमारा डेटा है, मान लीजिए 11 तक, या इसको डायनेमिक कर सकते हैं हम, जो कल मैंने बताया था आपको। फिर नेक्स्ट i, तो 2 to 11 हमने यहाँ पे कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, अब एक चीज यहाँ पे गलती होती है, जैसे हमने 4i किया, ये i के जगह पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो i है वो एक वेरिएबल है। हम ऊपर इसको डिफाइन, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन कर दे कि dim i एज ए इंटीजर, यह आप बगैर डिफाइन के भी यूज कर सकते हैं। अगर डिफाइन नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट a वेरियंट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे 4i कर दिया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट से भी काम चला सकता हूँ, कब तक, जब तक हमने एक लूप इस्तेमाल किया है। अगर इसके अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और लूप इस्तेमाल कर लिया कि 4j = चले 1 to 10, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट, अब इसमें मेरा इफ कंफ्यूज होगा कि ये जो नेक्स्ट है इसका है या इसका है। तो उस केस में यहां आप 4j कर दे और 4i यहां पे नेक्स्ट आई कर दे, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो मैं इसको रिपीट करता हूं। उसके बाद यहां हम कंडीशन देते हैं कि इफ a2 रेंज a2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और हमने बताया था लास्ट क्लास से n लगाएंगे क्योंकि दो कंडीशन है, रेंज a2 इज लेस देन इक्वल टू 100 देन रेंज b2 dot value equal to 500। और if हमने शुरू किया है तो हमें यहां पे and if करना पड़ेगा, ये necessary है, याद रखिएगा। और यहां पे 2 के जगह पे हम i को combine कर देते हैं, यहां भी 2 है, इसके भी जगह पे हम i को combine कर देते हैं। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में बताया एंड मेथड। और इसमें एक ही आया, एक मिनट, वहां पर भी वैल्यू होगा क्या सेकंड वाले में? हाँ, यहाँ b2 है, b2 के जब i लगाना पड़ेगा हमें। हाँ, यहाँ पे डॉट वैल्यू लगाना जरूरी नहीं है, आप शायद रेंज की क्लास भूल गए, हम बिना डेट वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारा
रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या है कि अगर मैं इसमें कंडीशन बनाऊं कि लेस देन अगर 80 होगा तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो यहाँ पे 200 आना चाहिए। ऐसे दो तीन कंडीशन हो गए तब यहाँ पे एंड का इस्तेमाल नहीं होगा, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड इफ का। कैसे कर रहे हैं देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो मैं इसको डिलीट करता हूं, तब मैं यहां यूज करूंगा कि इफ रेंज डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, एंड कंडीशन था वही रहेगा यहां पे। Then range dot value. एक कंडीशन तो पहली वाली है, अब यहां पे हम एक और, यहां इसके अंदर में हम एक और इफ लगाएंगे, इफ रेंज इफ A के साथ I dot value is less than equal to less than 80, then A हमारा हो जाएगा 100। और यही पे हम अभी जो है तीनों कंडीशन हमारा अलग अलग है, तो तीनों के लिए हम यहां पे सिंपल अलग अलग इफ देंगे। समझ में आया आपको? बस सर एक कोई नेस्टेड इफ नहीं हुआ, सॉरी सर मेरा ब्लूटूथ का बैटरी खत्म हो गया था, मैंने चेंज किया। तो इसमें आप देखिए तीनों अलग अलग इफ दिया हुआ, किसी इफ से किसी को मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन तीनों अलग अलग कंडीशन है कि 80 टू 100 के बीच में तो 500, लेस देन 80 हो तो 100, और ग्रेटर देन 100 हो तो 200। तो आपको पहले आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर क्या है कंडीशन। अब चलिए एक और कंडीशन से यहां पर हम आपको दिखाते हैं। अब यहां पे नेम है और यहां पे सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू है। यहां पे हमने नेम दे दिया पूजा और यहां पे हम देते हैं रिजल्ट। अब मुझे यहां पे करना है कि 35 एंड 690, जब तक दोनों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 30 ना हो तब तक यहां पे पास नहीं होना चाहिए, और इसको हम एंड के थ्रू भी करेंगे और बगैर एंड भी आपको करके दिखाते हैं। तो यहां पे होगा सब्जेक्ट इफ _30, तीसरा इफ आ गया,
Q4 i इक्वल टू चले टू टू से, इसलिए लूप लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कंडीशन है इसलिए. यहां होगा कि इफ रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल 30 और यहां पे एंड अगेन रेंज P2 डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन रेंज ए यहां पे D2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 5. अब यहां पे हमें एल्स देने की जरूरत है क्योंकि यहां पे पास और फेल चाहिए. एल्स में यहां पे हम फेल दे दिए और लास्ट में एंड, राइट सर? ओ सॉरी, आया पास. अगर मैं इसी को बगैर इस एंड का करता हूं, एंड जो लगाया हम बगैर एंड के करेंगे, तो मुझे एक इफ के अंदर दूसरा इफ डालना पड़ेगा. कैसे मैं दिखाता हूं, मुझे यहां से इसको नीचे तोड़ना पड़ेगा, यहां बैंड तोड़ना पड़ेगा और फिर यहां पे फिर एक और इफ लगाना पड़ेगा. इफ दैट और जितने इफ होंगे उतने हमारा एल्स होगा. अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूं. हाँ, हमने एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ लगाया एंड मेथड. पहला इफ देखिएगा कि अगर B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तभी वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो यहां फेल शो कर देगा. फिर दूसरा इफ शो करेगा कि C2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 है तो D2 को पास करेगा, नहीं तो फेल करेगा. अब बोलेगा सर ये तो इससे अच्छा कंडीशन तो एम था, तो इसमें देखिए आप जो है फेल में ये दे सकते कि भाई ये आपका सब्जेक्ट टू में फेल है, ये आपका सब्जेक्ट टू में फेल है, ये आपका सब्जेक्ट वन में फेल है. इस तरह के रिजल्ट भी आप दे सकते हैं क्योंकि एंड जब लगता है तो आप कई सारे कंडीशन दे सकते हैं, बट आप रिजल्ट सिंगल देते हैं. बट जब आप उसी को नेस्टेड इसमें डालते हैं तो जितने कंडीशन उतने रिजल्ट, हम डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं. विजय जी समझ में आया आपको? हाँ जी. तो डाउट तो नहीं है आपको इसमें? नहीं अभी तो नहीं. चलिए अब इसी को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं. मैं यहां पे एक और सब्जेक्ट ऐड करता हूं S3. अब सबसे पहले तो रिजल्ट जो आपका रिजल्ट डी है वो ई हो जाएगा. ओके, अब इसके अंदर अब पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, अब दूसरे कंडीशन से हमारा यहां पे लिखा रहता है. अब यहां हम इसको डिलीट करते हैं. अब यहां पे तीसरा इफ चलेगा कि इफ रेंज B2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन रेंज E2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 5 एल्स रेंज E2 डॉट वैल्यू इक्वल टू
सब्जेक्ट थ्री से, और जितने इफ उतने एंड इफ। ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा इसके अंदर घुसता चला जाएगा। अब आप एक चीज और देख लीजिए कि हमने पहला इफ यहां लगाया है, फिर दूसरा इफ यहां लगाया, फिर तीसरा इफ लगाया, क्या ऐसा लगाना जरूरी है या फिर हम सिक्वेंसली लिख सकते हैं? क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे सवाल पूछा था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हमने इस तरह से इसलिए लगाया ताकि आप समझ सके कि कौन सा इफ किसके अंदर में, जैसे इस इफ के अंदर में इफ सारा है ट्रू पार्ट में और फॉल्स पार्ट में हुआ, और इस इफ के अंदर में ए इफ है ट्रू में फॉल्स यहां है। समझ में आया सर? हाँ जी। तो इस तरह के अपने इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विवेक जी आपने मुझे इतना बड़ा कोड भेजा हुआ है, अब इसको पढ़ने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। सोचिए अब इतना टाइम हम कैसे देंगे? ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ सर। वो कंप्लीट कोड को चेक मत कीजिए, इसमें जो नेक्स्ट की प्रॉब्लम आ रही है लूप में है ना, रन ही नहीं हो रहा। एक मिनट, तो उसी तो देखूंगा ना मैं कि कहाँ पे जरूरी है लूप की प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। इससे पहले ये कोड ठीक ठाक काम कर रहा था, सिर्फ बाद में अचानक से पता नहीं क्या हो गया। वो आपने यहाँ पे लूप लगाया कि लूप 4i = चले 1 to 100 और r+1 किया यहाँ पे नेक्स्ट खत्म कर दिया। r,c.value = वर्किंग फंक्शन इफ एरर वी लुकअप। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना, कि जो आप बार बार वर्कशीट फंक्शन और ये सब फॉर्मूले लगा देते हैं ना, बेसिक दिस इज नॉट ए वीवीए। वीवीए में इसका इस तरह से यूज नहीं होता है। वीवीए में इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास वीवीए में कोई फॉर्मूला नहीं बचता है तो हम यूज करते हैं, वरना लोग वीवीए का फंक्शन है, वीवीए का फंक्शन, वीवीए का मेथड यूज करते हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम से देख रहा हूँ कि आप इसे बहुत सारा फॉर्मूला लगा देते हैं। अब r,c क्या है? r यहाँ = 5 है आपका, ये रो नंबर है, और c है आपका, c कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर है सर c। हाँ तो सी आपका ये है, कॉलम कैसे है? सीधा आपने रेंज डिफाइन कर रखा है। हाँ तो ये रेंज से डिफाइन कर दिया ना मैंने, उसको रेंज से लिंक कर दिया, डेट वाइज वो चेंज होती रहेगी ना सर। हाँ तो आपने यहाँ पे सी डायरेक्ट ले लिया ना, ये गलत किया ना आपने, यहाँ पे t.colon लेना है ना आपको। क्या सर? यहाँ पे t.colon लेना है ना सर। इससे पहले तो ये ठीक ठाक काम कर रहा था मेरे, और बाकी कोड में भी मैंने ऐसी ये ठीक ठाक काम कर रहा है, उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ दिक्कत है, एक मिनट समझिए, एक इस चीज को समझिए, आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और फोन करके हमें फोन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग भी समझिए सर। देखिए अगर आपने सबसे पहले dim c as a range a कर दिया, मतलब इंटीजर कर दिया, लॉन्ग कर दिया, तो c के ऊपर कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। बात समझ गए? c के ऊपर कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने c इक्वल टू ले लिया रेंज, मान लीजिए यहाँ पे रेंज रेंज a1 मान लीजिए a1 कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सी ए वन हो गया, इसने ए वन की जो वैल्यू है उठा लिया, इसने ए वन का कॉलम नहीं उठाएगा, ए वन के ऊपर जो टाइप है जैसे यहाँ पे वो उठा लिया। अब यहाँ पे नेम है तो ये रखेगा नहीं, आपको एरर देगा। बात समझ में आया सर? वहां पे नंबर है वो मैंने चेक कर लिया। एक मिनट मेरी बात पूरा होने दीजिए ना, तो क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कर लिया dim r as a range, range कर दिया,
अब हो गया ए ऑब्जेक्ट, तो कभी अब क्या है कि मैं कभी भी आर इक्वल टू ए जो नहीं कर सकता, पहले समझ जाइए क्यों, क्योंकि ए किसी वैल्यू पे स्टोर नहीं करेगा, किसी रेंज को असाइन करेगा। यहाँ पे सेट इक्वल टू, सेट आर इक्वल टू, अगर आपने कर दिया रेंज ए वन कर दिया ना सर, अगर मान लीजिए सेल्स में आपको यूज करना है सेल्स में, तो सेल्स में क्या चाहिए, आर वन सी वन चाहिए ना सर, डॉट सर ए चाहिए ना सर, तो आप इसमें आर कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो इसको तो चाहिए नंबर ना, आप इसमें ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, बात समझ में आया, इसमें आपको इसका आर डॉट वैल्यू करना होगा, आर डॉट कॉलन करना होगा, तब तो उसकी वैल्यू को पिक करेगा। यहां से इसको नंबर में चाहिए सर, तो आपने जो कोड लगाया हुआ है इसमें आपने क्या किया हुआ है, आर कॉमा सी, आप बोल रहे हैं कि इसका कॉलम नंबर उठा ले, आप क्या बोल रहे हैं, उसमें जो नंबर है वो उसको नहीं, इसके अंदर जो वैल्यू, मतलब कि G5 पे जो वैल्यू टाइप है वो उठाना है या G5 का कॉलन उठाना है, पहले चीज बताइए, G5 में जो वैल्यू है उसको उठाएगा, हाँ उसमें 9 तो, नंबर है, अच्छा नंबर टाइप है, सही राइट किया, तो आपको यहाँ पे करना है, कहाँ गया, हाँ सी डॉट वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज और समझाइए, एक इसमें ये जो सी पे जो वैल्यू टाइप है यहाँ पे नंबर टाइप होना चाहिए, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, इस तरह का नंबर होगा या फिर कोई डेटा है, बीसीडी है या डेट है, नंबर है सर, ऐसा ही नंबर है, पांच उसमें नाइन, ये जो नंबर है ये नंबर इसका कॉलम मिल बन जाएगा, अगर आपने उठाया आर डॉट वैल्यू कर दिया तो एक क्या उठा लेगा, तब इसका मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेल्स 1.5, समझे, ये हो जाएगा आपका A5, यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा, तो सर इसमें डॉट वैल्यू दो बार आएगा या फिर एक बार ही लिखें डॉट वैल्यू, वो नहीं एक ही बार होगा यहाँ पे, सॉरी इसमें सी डॉट वैल्यू होगा, अगर आप सेल पे आपका जो ये आपका सेल G5 है, G5 पे डली हुई वैल्यू आपकी कॉलम नंबर है तो यहाँ पे डॉट वैल्यू आएगा, ठीक है सर, समझ गए। और दूसरी चीज, अगर आपको मतलब कि उसी कॉलम नंबर आएगा तो उस हिसाब से उसको पिक कर लेगा, उसके बाद आपने अब यहाँ पे आपने वी लुक, इस तरह का फंक्शन है आपका वी लुकअप लगाया है आपने, यहाँ पे अब यहाँ पे आपने पिक किया आर कॉमा थ्री किया है डॉट वैल्यू सी पांच कॉमा, अब एक कॉलम क्या है, अच्छा कॉलम नंबर निकाल रहे हैं आप, कॉमा जीरो, यहाँ पे कॉमा जीरो कर दिया और नेक्स्ट आर प्लस आर इक्वल टू आर प्लस वन। अब यहाँ पे एक चीज और एरर कहाँ आ रहा है पता आपको सर, ओके आर आपने यहाँ फाइव कर दिया है ना, ठीक है चलिए अच्छा है, अब यहाँ पे आर इक्वल टू फाइव, अब यहाँ पे देखिए ये गलती कर रहे हैं ना आप, यहाँ देखिए गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, रो नंबर आपका सी क्या है, सी कॉलम नंबर है सर, नहीं सी आपका वैल्यू है, एक रेंज है, रेंज है ना, तो रेंज में प्लस, रेंज में आप सी प्लस 12 कैसे कर सकते हैं, रेंज इक्वल टू सी प्लस 2 क्या, मतलब कि यहाँ पे अगर सी नहीं होता तो होता है रेंज G5 इक्वल टू रेंज G5 प्लस 12, G5 पर क्या, यहाँ पे आपको सी डॉट वैल्यू इक्वल टू सी डॉट वैल्यू प्लस 12 करना पड़ेगा, आप जो है रेंज को वेरिएबल की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, आप यहाँ रेंज डिफाइन कर रहे हैं और यूज आप एकदम वेरिएबल की तरह कर रहे हैं, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है सर, हाँ एक गलत आपने किया, अब आपका कॉलम क्या डिफाइन है वो भी देखना पड़ेगा,
अगर आपको दिक्कत है तो डिफाइन क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे बार बार ए कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप जी ए रेंज ले लीजिए, अगर डिफाइन में प्रॉब्लम होता है तो। वन टाइम की मैंने है ना, फिर हर महीने उसको फाइल में लिंक चेंज करने से आसानी से हो जाएगा, लिंक चेंज हो जाएगा हमारा। वन टाइम की मैंने तो आपका कॉलम क्या डिफाइन है वो भी तो देख लूं। कॉलम कॉलम से दिख नहीं रहा है आपका। कॉलम सर इसका सिक्स है शायद, मेरे को याद नहीं। कॉलम है क्या, मतलब डिफाइन क्या किया है आपने? कॉलम नंबर सिक्स है ये, मैंने डिफाइन किया था इसमें, डिफाइन करेगा सिक्स इज इक्वल टू सिक्स सर, थोड़ा सा नीचे आइए, डिफाइन किया था मैंने ये। हाँ कॉलम थ्री एज रेंज कॉलम, नहीं नहीं वो बात है, आपने कॉलम को डिफाइन ही नहीं किया हुआ। नहीं कॉलम थ्री एज रेंज वो ऊपर लिया था अभी मैंने देखा था सर। फिर वही तो दिक्कत है ना, रेंज आपने क्यों किया कॉलम को? अब देखिए यहाँ पे कॉलम है तो रेंज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं कॉलम को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम कर दिया, यहाँ पे डॉट वैल्यू लगेगा, यहाँ भी डॉट वैल्यू लगेगा, ठीक है सर। और वेरिएबल की तो यूज कर रहे हो, ठीक है सर। सर लेकिन इसमें एक डाउट है सर, इससे पहले है ना मैंने एक दिन पहले जब मैंने ऐसे ही इस कोड को रन किया तो मेरा कोड ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन डॉट वैल्यू के बिना ही काम कर रहा था कोड तो। अब लेकिन पता नहीं मैंने कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया फिर उसमें वो नेक्स्ट की प्रॉब्लम आ गई, ये पता नहीं कैसे। यहाँ पे अब ये देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे गलती आपका यहाँ पे है। डॉट देखिए डॉट वैल्यू लगना भी चाहिए नहीं भी लगना चाहिए तो ले लेता है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन का। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको समझाए हैं यहाँ पे कि जिसे बोले डॉट वैल्यू नहीं लगा हुआ है तो डॉट वैल्यू नहीं भी जाता है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू पिक कर लेता है, और डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट करता है कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यह डॉट वैल्यू लगा के चले और इस तरह से जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट में तो खास कर लगाना चाहिए। और आपकी गलती क्या है पता है, आपने लगाया है यहाँ फोर लिया, यहाँ नेक्स्ट को खत्म कर दिया, फिर नेक्स्ट किसके लिए डाला है आपने? ये नेक्स्ट किसके लिए डाला हुआ है, इससे पहले तो कोई फोर नहीं दिख रहा मुझे। अरे सर वो है यहाँ पे तो है, यहाँ पे फोर लगाया आपने नेक्स्ट को खत्म कर दिया, उसको मतलब कट करके मैं नीचे ले गया हूँ। नीचे ले गया है तो वही तो बोला होगा, आपने कट करके नीचे ले गया है तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट लगा रखा है, फोर था ही नहीं, इस नेक्स्ट को डिलीट कीजिए या फिर इस जो कैलकुलेशन है यहाँ ऊपर वाला नेक्स्ट को डिलीट कीजिए, ये नेक्स्ट फालतू है सर। तो इसको आई के ऊपर ले आऊंगा ना, फोर वाला जो है उसको आई के ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा ठीक सर? नहीं आपने तो यहाँ खत्म कर दिया ना सर, आपने यहाँ फोर स्टार्ट किया तो यहाँ पे फोर को खत्म कर दिया। और आपने यहाँ फोर स्टार्ट किया और आपने फोर को खत्म कर दिया, अब ये किस तरह से काम कर रहा है कहाँ क्या लगेगा मैं रिकमेंड अभी नहीं कर सकता जब तक कि मैं पूरी कोड को अच्छे से देखूं नहीं, पूरा स्टेप आपका फाइल देखूं नहीं तब तक नहीं कर सकता था। और इतना टाइम नहीं होता है सर कि इस तरह की चीजों पर कर सके सर, इसलिए हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, फोन पे समझा दूंगा, इस तरह से फाइल चेक करके नहीं दिखाऊंगा सर, इस पर चेक करने लगूंगा सर, टाइम 24 घंटे मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा सर सांस लेने के लिए। ठीक है सर।